जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सा विस्तृत भी पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ी सा विस्तृत पढ़ेंगे तो जो है आपको सही से पता चल जाता है उसका राइट आंसर यही है। और वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको हम लिंक जो है आपके लिए दे देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े, वहीं पर आपके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। आप जो है यहाँ पर 9098609291 इस पर आप मैसेज करेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर, तो लिंक आपके यहाँ पहुंच जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की और व्हाट्सएप एमपी जेल प्रेरी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी से जल्दी, यहाँ पर आज की क्लास यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लाइक कर लें और सभी लोग यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर 2020 के लाए हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। रोज अपनी यह जो क्लास है 4:05 पर होती है यह क्लास सामान्य विज्ञान की। तो चलिए आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या है, आंसर आपसे अगर बनता है तो कमेंट में जरूर बताते जाएं सभी लोग जल्दी जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, देखिए कार्य का मात्रक क्या है, जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। सभी को जय हिंद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो इसका जो राइट आंसर होगा कि कार्य का मात्रक क्या है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कार्य का मात्रक है तो आपका राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर एक जूल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जूल लिखना था यहाँ पर, जूल आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही सभी लोगों ने बताया है, सभी लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा। और यहाँ पर थोड़ी सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर जो भी 20 जे ही कार्य होगा, और कार्य का मात्रक जूल होता है, इसे संक्षेप में जे कहते हैं। तो यह भी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अब जे जैसे 20 जे लिखा है यहाँ पर 20 जे, तो आप जे का मतलब जानते हो जब भी तो समझ पाओगे, तो जे का मतलब होगा यहाँ पर जूल, क्या होगा जूल। तो यह भी आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सा इतना विस्तृत पढ़ लेते हैं तो सब पता चल जाता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो बताइए प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, समय, प्रकाश या धारा। क्वेश्चन नंबर दो है यहाँ पर, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या, दूरी। दूरी आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा दूरी, विकल्प नंबर एक बिल्कुल सभी लोगों ने जो है यहाँ पर राइट आंसर बताया है दूरी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आपके लिए पूरा समझ में आ जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, अतः प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46×10^15 मीटर खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और खगोलीय दूरी को जो है मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह क्या है, वह पारसेक। तो यह भी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएं, यहां पर सभी लोग आ चुके हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार या वजन। तो आपके लिए चार विकल्प हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो यहाँ पर जो है क्या होगा राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, द्रव्यमान आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है राइट आंसर? द्रव्यमान, याद रखना है, द्रव्यमान आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। हेमलता जी बिल्कुल सही, पुष्पा जी यहाँ पर सी जो है राइट आंसर होगा। और देखिए, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए आप, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, नहीं है, तो क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं यहाँ पर सभी लोग। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, चलिए ठीक है। तो देखिए, अधिवर्ष, चंद्रमा है, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, क्या है राइट आंसर? आपका राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपका यहां पर विकल्प नंबर जो सी है वह यहां पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? प्रकाश वर्ष, सी बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहां सी जो है बताया है राइट आंसर होगा, तो सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश वर्ष एक समय में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, तो याद रखना है। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पारसेक इकाई है तो किसकी है, यह बताना है। दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर बताएं सभी लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारसेक इकाई है, तो इकाई किसकी है? पारसेक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर, क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, दूरी की। दूरी की आपका यहाँ पर राइट आंसर है कि पारसेक इकाई है तो किसकी है? दूरी की। 5 का ए बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, 5 का एक आपका जो है राइट आंसर होगा, पारसेक इकाई है दूरी की। पारसेक दूरी की खगोलीय इकाई है, यह है 31 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। तो यह भी आपके लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है यह बताना है आपके लिए यहाँ पर। 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो क्या होगा यहाँ पर? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, या समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो 4 विकल्प हैं और सुमेलित नहीं है जो, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी जिसने भी यहाँ पर बताया है, क्या डी, उनका राइट आंसर होगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। तो देखिए, सेल्सियस ताप मापने का एक पैमाना है, यह आपके लिए याद रखना है। सेल्सियस जो है तापमान मापने का एक पैमाना है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था, तो यह भी आपके लिए याद रखना है।
है स्वीडन के वैज्ञानिक वैज्ञानिक थे, कौन से सेल्सियस, इन्होंने सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किया। इस स्केल पर सामान्य वायुमंडल दाब पर पिघलते शुद्ध बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तथा सामान्य वायुमंडल दाब पर उबलते शुद्ध जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस मानी जाता है। तो यह भी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन बताना है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, क्वेश्चन नंबर 7। बताएं सभी लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ल्यूमेन किसका मात्रा के, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहां पर बताइए। तो आपका यहां पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, आपका यहां पर राइट आंसर होगा ज्योति, ज्योति फ्लक्स का आपका यहां पर जो है राइट आंसर है, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। तो आपके लिए यह याद रखना है, ज्योति फ्लक्स का यह मात्रक है तो याद रखें। और यहां पर देखिए व्याख्या क्या है कि ज्योति फ्लक्स एक ऐसी राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की कुल द्युति यानी कि चमक उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करती है। ज्योति फ्लक्स को एक स्वच्छ मात्रक ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है, यह ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो आपके लिए यह भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्यूरी किसकी इकाई है, बताइए क्यूरी किसकी इकाई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां है, यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापमान, ऊष्मा या ऊर्जा। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। देखिए रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपनी नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हों वह विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। तो आपके लिए यह याद रखना है कि रेडियोधर्मी किसे कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इसीलिए जो है हम थोड़ी सा विस्तृत पढ़ लेते हैं, और यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण और जो इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी परमाण्विक नाभि स्थिर नहीं होती है, जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते हैं, रेडियो धर्मी या रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पास्कल इकाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, पास्कल इकाई है। डिटेल में थोड़ी सा पढ़ते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी सा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है क्या होगा, पास्कल इकाई है तो किसकी, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा दाब की, दाब की आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सभी लोगों ने राइट बताया है, पास्कल इकाई है तो यह है दाब की, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्या है, देखिए पास्कल दाब की एस एस आई व्युत्पन्न इकाई है, इसके साथ ही स्ट्रेक यंग्स
मॉड्यूलस और तनाव स्टेट की भी यही इकाई है। तो यह भी आपके लिए याद रखना है, यह लंबवत बल प्रति इकाई क्षेत्र बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति घन मीटर। इसे दैनिक प्रयोग में हवाई दाब हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कैंडला मात्रा का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैंडला मात्रा के तो किसका, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कैंडला मात्रक है तो ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर, कैंडला मात्रक है तो यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, ज्योति तीव्रता आपका यहां पर जो है राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, ज्योति तीव्रता आपका यहां पर राइट आंसर होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है, मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग एक कैंडला कहलाता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। स्रोत का ताप कितना होता है, प्लेटिनम गलनांक के बराबर। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से इकाई है तो ऊर्जा, बल, दाब या तापमान। हाँ तो बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, जूल निम्नलिखित की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है सभी लोगों को, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, लाइक बहुत ही कम लोग करते हैं यहाँ पर, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर 1, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जूल निम्नलिखित की इकाई है तो ऊर्जा आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ए होगा यहाँ पर राइट आंसर, ऊर्जा। देखिए जूल अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। इस इकाई को अंग्रेज भौतिक विज्ञानी कौन, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर नामित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो क्या होगा राइट आंसर, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1969 ईस्वी, 1971, 1983 या 1991। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जो यहां पर, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वह है क्या, राइट आंसर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 1971 ईस्वी, 1971 ईस्वी आपका यहां पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, देखिए हर्टज क्या मापने की यूनिट है, तो बताइए हर्टज बताना है यहां पर, HZ, तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं सभी लोग जल्दी से जल्दी यहां पर, हर्टज क्या मापने की यूनिट है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। तो सभी लोग बताएं यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, हर्टज क्या मापने की यूनिट है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर क्या है, डी आपका राइट आंसर है, तरंगों की आवृत्ति आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी। जिसने भी यहाँ पर डी बताया है उनका राइट आंसर होगा यहाँ पर डी।
क्या होगा राइट आंसर? डी आपके यहां पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी, तरंग की आवृत्ति। यहां पर देखिए हर्ट्ज आवृत्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली की इकाई है। इसका आधार है आवर्तन प्रति सेकंड, या साइकिल प्रति सेकंड, या साइकिल जो है साइकिल प्रति लोम, सामान्य प्रयोग के लिए किए जाने वाले गुणक हैं। तो यह भी आपके लिए याद रखना है। और विद्युत मात्रा की इकाई है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम्ब। तो बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा? विद्युत मात्रा की इकाई है। तो क्या है विद्युत मात्रा की इकाई? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। क्या है विकल्प नंबर एक? एम्पियर। बिल्कुल सही सभी लोग, एम्पियर यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। एम्पियर, एम्पियर राइट आंसर है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। तो विद्युत आवेश के गति या प्रवाह में होने वाली उस विद्युत धारा को कहते हैं, इसकी एसआई जो इकाई है वह क्या है? एम्पियर है। एक कूलांक प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को एक एम्पियर धारा कहेंगे। तो यह भी आप याद रखें और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में बताना है, सभी लोग बताएं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहां पर सभी लोगों को बताना है। तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? तो आपका यहां पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वह है क्या है? डायोप्टर आपका विकल्प नंबर बी। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर, बी आपका सही आंसर है यहाँ पर, डायोप्टर। देखिए डायोप्टर या जो है डियोप्टर इसे भी कहते हैं, लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति जो है, प्रकाशीय शक्ति होगी आपके यहाँ पर 1/f डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 की डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर बताइए? ज्योति जी, रोहित जी, अरविंद जी, आरती जी, भारती जी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सभी लोगों ने सी बताया यहाँ पर, संजय जी, देवन देवान जी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी, वातावरण में ध्वनि। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। डेसिबल एक लघुगणक की इकाई है जो प्राह ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए प्रयुक्त होती है। डेसिबल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कि एम्पियर नापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताएं सभी लोग? एम्पियर नापने की इकाई है वोल्टेज, करंट या प्रतिरोध या पावर। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है यहाँ पर, उसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर करंट, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर बी, बी होगा। बिल्कुल सही यहाँ पर, बी आपका राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 18, वहां पर जो है 27 लिख गया था, वहां पर 17 था, तो क्या है इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है सभी लोगों को, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जो, इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, जिसने भी बताया है यहाँ पर उनका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा नहीं है, बल एवं दाब या राइट आंसर क्या होगा, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग या भार एवं बल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं क्या होगा, राइट आंसर बताइए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बल एवं दाब, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो किससे संबंधित बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिमीय राशि है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, चार विकल्प है आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। यह रोज अपनी जो क्लास है 4:05 पर रोज होती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो वह विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकृति, आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या राइट आंसर विकल्प नंबर एक विकृति, बिल्कुल सही यहाँ पर विकल्प नंबर ए सभी ने बताया यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है यह बताना है आपके लिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, संवेग या वेग, संवेग या वेग या कोणीय वेग या द्रव्यमान, तो चार विकल्प है आपके सामने यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पर आपके लिए बताना है। हाँ ये जेल प्रेरी की क्लास लगी है, तो सामान्य विज्ञान की है एक क्लास, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है यह बताना है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो आपका राइट आंसर है द्रव्यमान, विकल्प नंबर डी, जिसने भी यहाँ पर बताया डी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर, तो डी आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। यहाँ पर देखिए जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग इत्यादि, तो यह आपके लिए याद रखना है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, देखिए देखिए यहाँ पर कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिस भौतिक राशि राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होती है, मात्रा एवं दिशा जिस भौतिक राशि में निहित होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, याद रखना है, तो
तो आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अदिश राशि है तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पर जो है मैथ की क्लास नहीं लगती है, और ना ही रीजनिंग की और ना ही इंग्लिश की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऊर्जा, बल या आघूर्ण या संवेग या अपरोक्षवी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है यहां पर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का? तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है अदिश राशि है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, ऊर्जा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। राइट आंसर है ऊर्जा, बिल्कुल सही यहाँ पर कल्लू सिंह जी ने बताया, ऊर्जा विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। सरिता जी, किरण लोधी जी। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर कि जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, सॉरी परिमाण होता है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि कौन सी है? जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि, यह कौन सी राशि है? सदिश राशि मानी जाती है, सदिश राशि याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वह है क्या है? विकल्प नंबर एक संवेग आपका जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक। हाँ, तो यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा। जिस भौतिक राशियों में मात्रा और दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। दोबारा हो गया, पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आप यहाँ से नहीं बताना है, यहाँ पर आपके लिए नहीं है, तो कौन सी नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, सभी लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है? वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, आयतन। आयतन आपका राइट आंसर होगा, यह कौन सी सदिश राशि नहीं है? आयतन। देखिए आयतन एक सदिश अदिश राशि है, याद रखना है आयतन जो है यह अदिश राशि है। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें सदिश राशि अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो यह जो है फिर से बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका बैग, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। तो बताएं सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। बहुत कम लोग जो है वीडियो को लाइक करते हैं, तो सभी लोग एक बार लाइक ठोक दें वीडियो को। और निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, द्रव्यमान आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी याद रखना है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। तो यह भी आपके लिए याद रखना है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। चार विकल्प होंगे आपके सामने, आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है, तो सभी लोग बताएं कमेंट में आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो विज्ञान के जो क्वेश्चन है यह किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर। तो
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चार विकल्प है आपके सामने, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही ज्योति जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, द्रव्यमान आपका राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो चार विकल्प है, क्वेश्चन नंबर दो का आंसर यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर, ऊर्जा या रैखिक गति या कोणीय गति या बल। तो क्वेश्चन नंबर दो की, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर दो है जो यहाँ पर, उसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दो का वह क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है कोणीय गति। कोणीय गति आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर, सॉरी तीन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन की, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या होगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या आवर्तित अपवर्तित रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर तीन। तो क्वेश्चन नंबर जो तीन है यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है, कम हो जाएगा। तो जब एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की को खड़े हो जाने पर दोलनों का जो आवर्त काल होगा वह कम हो जाएगा, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर चार का आंसर यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर चार का आंसर सभी लोग बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर चार का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो वह विकल्प नंबर एक आपका जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण दोगुना हो जाता है, या गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, या गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाता है, या भार दोगुना हो जाता है। तो चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पांच का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, के द्विवेदी जी, अरविंद जी, नरेंद्र जी। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पर, पूजा जी, क्वेश्चन नंबर पांच है जो यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। क्या होगा राइट आंसर, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी कि गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाती है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर सी। यहाँ पर देखिए, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है, तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि क्यों होता है अंतर, बताइए क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर बताना है यहाँ पर कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, या दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं।
तो चार विकल्प हैं आपके सामने और क्वेश्चन नंबर छह का आंसर आपके लिए बताना है, तो बताएं जल्दी जल्दी से, बनेंगे सब बनेंगे। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर, तो छह का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो इस प्रकार आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है, तो यह क्या है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या द्वितीय नियम, या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर, यहाँ पर मैथ्स की जो क्लास है वह नहीं लगती है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, मैथ और इंग्लिश की यहाँ पर क्लास नहीं लगती इस चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर सात का आंसर बताना है, यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर जो सात है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह है एक, विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। रवीना जी, नरेंद्र जी, आपका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, प्रथम नियम आपके यहाँ पर विकल्प नंबर एक जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखना है। यहाँ पर देखिए, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर बताना है। बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर जो है बातचीत बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो है यहाँ पर जो टीम रहती है यूट्यूब की वह आपको यहाँ से ब्लॉक कर सकती है, तो आप कमेंट नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इस प्रकार आप जो यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसी से संबंधित आपके लिए आंसर बताना है, और फालतू की जो है बात यहाँ पर नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर आठ का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आठ का, तो क्वेश्चन नंबर आठ है जो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी में क्या है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर, तो हाँ कुछ कुछ नहीं, तो विकल्प नंबर आपका जो बी है वह राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो याद रखना है। हाँ, तो विकल्प नंबर आपके यहाँ पर जो है बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, या भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, या हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, या का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए, तो क्या होगा राइट आंसर, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर नौ का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए सभी लोग, तो क्वेश्चन नंबर जो नौ है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल सही बताया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, देखिए तृतीय नियम का अर्थ है किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान और विपरीत है, न्यूटन के इस नियम को इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का
वर्णन किया, लेकिन असल में संवेग संरक्षण एक अधिक मूलभूत सिद्धांत है। कई उदाहरण हैं जिसमें संवेग संरक्षित होता है लेकिन तृतीय नियम मान्य नहीं है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह बताना है, क्या है बताइए जल्दी से। नरेंद्र जी, के द्विवेदी जी, सरिता जी, अरविंद जी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ज्योति जी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 की प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। है क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है, क्या है? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है सी में? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए वही है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या उपरोक्त सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चार विकल्प हैं आपके सामने, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? और सभी लोग लाइक कर लें वीडियो को एक बार और एक बार शेयर कर दें। तो यहाँ पर और आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वह है तृतीय नियम। तृतीय नियम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 3। बिल्कुल सही सभी लोगों ने बताया यहाँ पर, तो विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है। यहाँ पर जल में तैरना न्यूटन गति के तृतीय नियम के कारण संभव है, यह सोचना जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हर समय दो अलग वस्तुओं पर लागू होती हैं। गति का तृतीय नियम यह इंगित करता है जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु का बल प्रयोग करता है या तत्क्षण की वह दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर वापस बल लगाता है। यह जो है जो न्यूटन का तृतीय नियम है, यह याद रखना है आपके लिए तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक ब्राह्म अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की ब्राह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सभी लोग, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? अरविंद जी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? द्विवेदी जी, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। न्यूटन या आइंस्टीन या आर्किमिडीज या गैलीलियो? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है यहाँ पर उसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा कि कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की ब्राह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? न्यूटन। न्यूटन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा न्यूटन। कोई पिंड तब तक ब्रह्म अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की ब्राह्य बल कार्य करता है, यह कथन है न्यूटन जी का। न्यूटन का यह कथन न्यूटन का है, न्यूटन याद रखना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही, तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर सभी लोग बताएं, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, या गति के तीसरे नियम से, या गुरुत्वाकर्षण नियम से? हाँ, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सभी लोग बताएं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 1। आरती जी बिल्कुल राइट आंसर है, गति के पहले नियम से आपका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए सही आंसर है, गति के पहले नियम से।
यहाँ पर देखिए, कोई वस्तु भ्रम की अवस्था में है तो वह भ्रम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी जो रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी तब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो यह भी आपके लिए याद रखना है, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व नियम भी कहा जाता है। अब आपसे यहाँ से देखिए क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को और अन्य किस नाम से जाना जा सकता है। यही तो होता है, विस्तृत में पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन विस्तृत में से ही बनते हैं। तो आपका होना चाहिए जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व का नियम, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में भ्रम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी लोग बताएं, चार विकल्प हैं आपके सामने, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? गतिहीनता, जड़त्व, कुछ भार या अस्थिरता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी लोग बताएं, यहां पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? छोटू जी बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी। बिल्कुल सही बताया, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, जड़त्व। जड़त्व तो आपका सभी लोगों ने यहाँ पर बी बताया है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी, जड़त्व। यहाँ पर देखिए कि जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान, यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा, अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो यह भी आपके लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बन गया, वही हमने आपको बताया था विस्तृत में, और वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो बताइए सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो कौन क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी लोग बताएं, अब भी हमने क्वेश्चन बताया था आपके लिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर सभी लोग बताएं? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी लोगों ने राइट आंसर बताया है, क्या है? जड़त्व का नियम, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही सभी लोगों ने यहाँ पर बताया है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने आगे भी आपके लिए बताया था। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएं क्या होगा? अनीशा जी, अरविंद जी, ज्योति जी, पूजा जी, बताएं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, या गाड़ी द्वारा सॉरी सॉरी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो चार विकल्प है यहाँ पर आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी में क्या है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से आपका यह जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। भारती जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी। यहाँ पर देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो आपने भी यह अनुभव किया होगा, बस में आप जब भी बैठे होंगे तो जब एकदम से अचानक ब्रेक लगते हैं तो आप बैठे रहते हैं तो आगे की दिशा में गिरते हैं एकदम से, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसको
इस किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सभी लोग बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी। बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। आपने भी अनुभव किया होगा जब आप बस में बैठे रहते हैं तो अचानक से जो ब्रेक लगते हैं, तो आप बैठे रहते हैं तो आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूटन का पहला नियम। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, रॉकेट के कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताएं। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या यहाँ पर आपका आखिरी विकल्प है और कि मिडिज का सिद्धांत। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बताइए राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका विकल्प नंबर एक। एक होगा यहाँ पर राइट आंसर। श्यामू जी, आपका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर है, न्यूटन का तृतीय नियम, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है। अंजलि जी, यहाँ पर देखिए, रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम, क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया पर आधारित है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार की रॉकेटों के उदाहरण है इसी प्रकार की। तो यह आपके लिए याद रखना है, न्यूटन के तीसरे नियम के बराबर, तो यह आपके लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो यहाँ पर अब आशंका का कारण बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर सभी लोग बताएं। जड़त्व, आघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो विकल्प नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर सी, विश्राम का जड़त्व, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर सी याद रखना है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व होता है, क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वरोही के शरीर के ऊपर भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वरोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहना चाहता है। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पर विस्तृत पढ़ लेते हैं तो आंसर जो है वह आपका कंफर्म हो जाता है कि यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों ओने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बताइए, आप क्रिकेट तो खेलते होंगे बहुत से लोग इनमें से, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? सभी लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएं। राजू जी, मनीषा जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? के द्विवेदी जी यहाँ पर। तो क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों ओनी हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। श्यामू जी बिल्कुल सही राइट आंसर बताया यहाँ पर, राकेश जी ने यहाँ पर सही आंसर बताया है विकल्प नंबर एक, जिसने नहीं बताया राइट आंसर है बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है बल गुणनफल है। तो बताइए बल गुणनफल है तो किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। चार विकल्प है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी लोग बताएं यहाँ पर, और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक ठोक दें क्या, और क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए सभी लोग, बल गुणनफल है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का वह क्या है? विकल्प नंबर बी, द्रव्यमान
और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण, बहुत सही यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। द्विवेदी जी भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपात होती है, यह आपके लिए याद रखना है। बल यानी कि एफ बराबर द्रव्यमान, यहाँ पर एक्स त्वरण, या एफ बराबर एम ए। अब अतः बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, या भार में परिवर्तन होता है, या मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर सभी लोगों को। बिल्कुल सही बताएं, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर 22 का राइट आंसर, यहाँ पर सभी लोग बताएं एक बार। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नरेंद्र जी बिल्कुल सही बताया। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान है, बताइए बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका राइट आंसर होगा क्या है, बढ़ता है। विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर एक याद रखना है, ए जिसने भी बताया उनका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगहों पर एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग राइट आंसर बताएं यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, शरीर का वजन, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग राइट आंसर बताएं। निरान जी क्या होगा इसका राइट आंसर, अंजलि जी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 24 का, वह विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में क्या होगा राइट आंसर, कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होने के कारण मानव शरीर या पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है तथा भूमध्य रेखा पर शून्य होगा, यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, तो इसका आंसर बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताएं, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, या चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, के द्विवेदी जी, तो व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही यहाँ पर आरती जी, राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, क्या है कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। राजू जी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 20 kg के वजन को जमीन, यहाँ पर जमीन लिखा है, जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य 20 जूल, या 200 जूल, या 981 जूल, या 0 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर यहाँ पर आपके लिए बताना है, चार विकल्प हैं आपके सामने, बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। और सभी लोग एक बार जो है वीडियो को लाइक कर लें, बहुत ही कम लोग जो है वीडियो को लाइक करते हैं यहाँ पर, तो कर दें एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक।
और क्वेश्चन नंबर 26 का यहां पर राइट आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 26 का यहां पर जो राइट आंसर होगा वह विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही भारती जी, आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी, 0 जूल, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही ज्योति जी, बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य, तो बताइए बीके जी क्या होगा राइट आंसर। बीनू जी, राजू जी क्या होगा इसका राइट आंसर। हेमलता जी, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग राइट राइट आंसर बताएं। ज्योति जी तो क्या होगा राइट आंसर, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, तो क्या करता है यह बताना है आपके लिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं, आपका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर, बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक श्यामू जी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, अब आपके लिए यह बताना है क्यों झुक जाता है, बताइए क्यों झुक जाता है, आपके लिए बताना है। तेज चल सके या फिसलने की संभावना कम हो जाए, या शक्ति संरक्षण हेतु, या स्थित्व बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सभी लोग बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए मोहित जी यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या है इसका राइट आंसर, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, क्यों झुक जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। क्या है राइट आंसर आपका, राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्थित्व बढ़ाने के लिए, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही डी। यहाँ पर देखिए, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की और झुक जाता है, जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि, क्यों नहीं गिरती यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है। तो यहाँ पर आपके चार विकल्प हैं, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, यह है एक आश्चर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, क्या है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, विकल्प नंबर एक जिसने भी बताया यहाँ पर उनका राइट आंसर है। बिल्कुल सही कुशवाहा जी, बिल्कुल एक आपका जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, तो आपका यहाँ पर जो है यह राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन लिए थे।